हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ईकॉइन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा और आपको बताऊंगा। जैसा कि आप लोग अपने डैशबोर्ड में ये देख रहे होंगे दोस्तों, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। अब जैसे ईओएस वॉलेट था, ठीक है, अब ये टेलोस वॉलेट कहाँ से आ गया अचानक से और ये सब क्या चल रहा है, तो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा क्या है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि एक मैंने आपको अपडेट भी दी है अपने ग्रुप में ईकॉइन की बीच में कि ऑफिशियली ईकॉइन जो है वो टेलोस और ईकॉइन पार्टनर हो चुके हैं। तो आप बोलेंगे ये हो क्या रहा है, तो दोस्तों ये यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ईकॉइन ने नया ब्लॉकचेन में अपना माइग्रेशन कर रहा है, ठीक है, हो चुका है माइग्रेशन उनका और वो स्टार्ट हो चुका है। तो वो क्या है पूरी डिटेल, पूरी अपडेट मैं आपको अभी इसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों ये एक अपडेट निकल के आ रही है क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को ईओएस वॉलेट पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, विड्रॉल नहीं मिल रहा बराबर बराबर, वो नहीं हो पा रहा है, इनका लिंक नहीं हो पा रहा है, विड्रॉल हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईकॉइन ने टेलोस वॉलेट में माइग्रेशन करने का है, यानी कि टेलोस चेन में माइग्रेशन कर रहे हैं। टेलोस भी एक ब्लॉक चेन है जिसमें वो अपना माइग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये टेलोस कर गए हैं ना। तो टेलोस में क्या है मैं बताता हूं, टेलोस इनका दोस्तों क्या है कि 1.5 मिलियन यूजर इनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि 1.5 मिलियन यूजर को टेलोस नेटवर्क में ट्रांसफर करने का सोचा है। अब वो करेंगे कैसे, क्योंकि ईकॉइन का जो गोल है वो 100 मिलियन यूजर का है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनको एक ऐसी चेन की जरूरत है, ऐसे ब्लॉकचेन की जरूरत है जो काम सही से हो सके, जिसमें स्केलेबिलिटी हो, परफॉर्मेंस हो और लो कॉस्ट हो। तो दोस्तों यहाँ पे ईओएस में क्या है मैं आपको मोटा मोटा बता देता, पूरा पढ़ के नहीं बताता, कि इनको बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही थी ईओएस नेटवर्क में, इनको बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था और काम भी बराबर नहीं हो रहा था, इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो उस वजह से तो इन्होंने सोचा कि इसको टेलोस में माइग्रेशन कर ले, क्योंकि टेलोस ने इनको ऑफर किया है फ्री 1.5 मिलियन यूजर, यानी 1 मिलियन यूजर को ये लोग फ्री नेटवर्क दे रहे हैं अपना, ठीक है, फ्री में यूज करने के लिए 1 या 1.5 ऐसा कुछ है, मैं आगे और बता दूंगा उसके बारे में आपको जो कंफर्म मेरे को मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो जहां तक जो मेरे को मालूम पड़े मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जैसे कि इनकी नॉर्मल साइट है, जो इसमें साइन अप करेगा उसको फ्री कॉइन दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है एयर ड्रॉप, अभी नए नए आए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि ये फ्री एयर ड्रॉप मिल रहा है अभी भी आपके पास चांस है लेने का। अभी पहले के कंपेयर में एयर ड्रॉप कम हो गया है, 1000 कॉइन से ये अब 600 कॉइन पे आ गया है और धीरे धीरे ये और कम होते जाएगा, तो इसलिए टाइम ना गवाए। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत ई कॉइन को ज्वाइन करें फटाफट और 600 कॉइन फ्री मिलेंगे आपको, ठीक है। और सारा प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया, पूरा टेलीग्राम वगैरह में जाके सब जगह देख सकते हैं आप, अपडेट्स वगैरह दी हुई तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। वीडियोस वगैरह वॉच कीजिए हमारे तो आपको समझ में आएगा, बराबर वॉच कीजिएगा बिना कोई स्किप करे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी भी मौका है, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि इनको बहुत जल्दी ग्रो करना है, और जितने ज्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे लोग, जितने ज्यादा आप लोग सब आएंगे, उतनी ज्यादा हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी ईकॉइन की, और ईकॉइन का प्राइस धीरे धीरे उस कंपेयर में बहुत ज्यादा जाएगा। तो ये आगे आने वाले भविष्य में हमको मालूम पड़ेगा, जिसकी ट्रेडिंग ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है। ईकॉइन इनिशियली बिगिन बिल्डिंग एन ईओएस, बट दोस्तों इन्होंने ईकॉइन ने क्या शुरू में ईओएस में अपना स्टार्ट किया था बिगिन करना, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये लोग मूव करेंगे टेलोस चेन में, क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत लो है और इसकी कैपेसिटी टू हैंडल मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे बहुत हाई है। तो टेलोस जो है एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम है, देखिए द टेलोस गवर्नेंस सिस्टम एंड कम्युनिटी हैज अलाउड द चेन टू सक्सेसफुली एड्रेस प्रॉब्लम लाइक रैम स्पेकुलेशन, एक्सपेंसिव अकाउंट क्रिएशन एंड नेटवर्क कंजेशन दैट हैव प्लॉच इन यूएस। यानी कि यूएस में जो इनको प्रॉब्लम आई थी रैम स्पेकुलेशन की, एक्सपेंसिव अकाउंट क्रिएशन की, नेटवर्क कंजेक्शन की, तो वो सब प्रॉब्लम को टेलोस सॉल्व कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकता है और बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर को ये हैंडल कर सकता है। तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि मूव करेंगे टेलोस चेन में। तो ये दोस्तों अपडेट है और इन्होंने सक्सेसफुली माइग्रेशन भी कर लिया और ये स्टार्ट भी हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, और उससे रिलेटेड ये लोग बहुत सारे एयर ड्रॉप फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें माइग्रेशन करने का भी ये लोग उसमें पैसा दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, और जैसा कि मैं बताऊं आपको, ये जो वॉलेट दिया है टेलोस के लिए, तो टेलोस में हमको
यहाँ पे अपनी टेलोस की वॉलेट आईडी यहाँ पे डालनी है और लिंक का बटन दबाना है, तो ये हम लिंक हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यूएस वॉलेट काम आएगा कि नहीं, तो अभी यूएस वॉलेट का अभी ऐसा कोई वो नहीं आया है कि इन लोग इसको क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ टेलोस में माइग्रेशन किया तो आप टेलोस को यूज कीजिए, ठीक है। टेलोस को करने के लिए भी सिंपल सेम प्रोसेस है, आपको वॉम्बेट वॉलेट में ही करना पड़ेगा, वॉम्बेट वॉलेट में बस अपग्रेड करना पड़ेगा एक टेलोस का, उसका मैं वीडियो बना दूंगा आपको बता दूंगा। तो दोस्तों सेम ही आपको, कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोगों की कि सर टेलोस के लिए कुछ हमको और नया वॉलेट बनाना पड़ेगा क्या, वो नहीं, कुछ नहीं बनाना, आपको सेम वॉलेट जो आपको वॉम्बेट वॉलेट जो आपने बनाया है वॉम्बेट वॉलेट में ही टेलोस का चेन रहेगा, उसी में होना, बस उसमें एक छोटा सा अपडेट करना है, उसका मैं वीडियो बता दूंगा आपको, ठीक है बना के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हाँ लिंक कहाँ करना है, जब तक आप लिंक नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा, लिंक करेंगे उसके बाद आपके पास बैलेंस आएगा, उस वो बैलेंस आप रखेंगे तो उसमें आपको फ्री के कॉइन, फ्री की टिकट और कॉइन उसमें मिलते रहेंगे जो अपडेट आई है ना। तो दोस्तों ये है एक छोटी सी अपडेट, और हमारे जितने भी भाई लोग हैं जिन जिन लोगों का फुली वैलिड नहीं हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ फुली वैलिड नहीं हुआ, फुली वैलिड का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो पहले का वीडियो था। अभी जो नया इनका सिस्टम आया है दोस्तों वो ये है कि ये लोग अब मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर से ये लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अब जैसे ये देखिए ये यहाँ पे बटन दबाया, तो आपको क्या करना है यहाँ पे बस ये बटन दबाना है, ये देखिए ये ऐसा बटन दबाए तो ये आपको एक खोल देगा, आप यहाँ पे बॉट में जाइए, बॉट में जाके आप अपना अपना मोबाइल नंबर दीजिए तो ये फटाफट आपको वो कर देंगे। इससे रिलेटेड मैंने अपडेट ऑलरेडी टेलीग्राम में डाली है, नहीं तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा बिल्कुल। अब अपडेट देख सकते हैं उसकी कैसे करना है प्रोसेस, मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है जाके देख लीजिए टेलीग्राम में मनी टीम या मनी टीम अपडेट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल एक क्लिक पे आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं मोबाइल नंबर, जैसे ही आप अपना मोबाइल वेरीफाई कर लेंगे तो आप फुली वैलिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ईजी तरीका है, जो जो भाई लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता रहा हूँ, जिन जिनका वैलिड नहीं वेरीफाई नहीं हुआ यानी फुली वैलिड उनका अकाउंट नहीं हुआ है, ये यहाँ पे फुली वैलिड होना ईमेल जरूरी है आपका, फुली वैलिड जब तक नहीं होगा जब तक आपका पूरा अकाउंट काम नहीं करेगा बराबर, ठीक है, तो आपको फुली वैलिड होना जरूरी है। तो फुली वैलिड जिन जिनका हो गया उनके लिए अच्छा है, जिनका नहीं हुआ वो एक दूसरे तरीके से भी फुली वैलिड कर सकते हैं, वेरीफाई मोबाइल कर लीजिए अपना क्लिक करके यहाँ पे कर लीजिए प्रोसेस जो बता रहा है, और मैंने उसका प्रोसेस भी इसमें दिया हुआ है, आप जाके देखेंगे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसी वेरीफाई करेंगे मोबाइल नंबर आपका फुली वैलिड हो जाएगा, फुली वैलिड हो जाएगा तो पूरा अकाउंट को बराबर यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट है आप लोगों को बताने के लिए, और ये इसकी मैं बाद में बता दूंगा आपको ई कॉर्नर क्या है, ठीक है। अभी तक लेते ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।